जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 2023 को भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हर साल 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाकर ब्रिटिश नियंत्रण से आज़ादी का जश्न मनाता आ रहा है। ये दिन हमें आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई कठिनाइयों और उनके बलिदानों की याद दिलाने का भी काम करता है। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा। आपको बता दें कि हर साल स्वतंत्रता दिवस का जश्न एक खास थीम पर आयोजित होता है। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस बार यानी स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम है राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। तो ये तो होगी बेसिक जानकारी। अब बात करते हैं कि अगर आप इन कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं, वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, इन कार्यक्रम का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो आप किस तरह वहाँ पहुँच सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन आपके पास हैं, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऑनलाइन टिकट लेना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। आमंत्रण पोर्टल पर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह आप अपने टिकट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है, उस सब चीज़ों के बारे में भी हाँ अच्छे से डिटेल दी गई है। चलिए मैं आपको बताती हूँ इस बारे में कि किस तरह आप अपनी ऑनलाइन टिकट को बुक कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि आमंत्रण पोर्टल है क्या कि देश में जैसे ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन होता है तो इस कार्यक्रम को देखने के लिए काफी दूर से लोग आते हैं और शामिल होने के लिए लोगों को टिकट लेने के लिए घंटों भर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन इन लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए देश के रक्षा मंत्री जी अजय भट्ट जी द्वारा आमंत्रण पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और इस पोर्टल के अंतर्गत आपको गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने वाले लोगों को ऑनलाइन टिकट की सुविधा प्रदान की जाएगी। घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप की मदद से आप आमंत्रण पोर्टल पर जाकर अपनी ऑनलाइन टिकट को बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस किस तरह की सुविधाएं आपको मिलने वाली है या आप टिकट ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, और साथ में आपको एक आम जनता और पोर्टल सरकार के बीच की दूरी को समाप्त करेगा। ये इस पोर्टल के आ जाने से मुद्रण में उपयोग किए जाने वाले कागज की बड़ी मात्रा में बचत भी होगी। तो इन सब खास बातों को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को बनाया गया है। तो आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन ऑनलाइन यहाँ पे दोनों है। वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है amantran.mod.gov.in। अभी ये वेबसाइट एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़े दिनों में ही एक्टिवेट हो जाएगी, फिर उसके जरिए आप ऑनलाइन टिकट आराम से बुक कर पाएंगे। लेकिन आप इसको नोट करके रखिए कि amantran.mod.gov.in पर ही आपको टिकट की सुविधा मिलने वाली है। इसके साथ यहाँ पे आपको बता देते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट कि कार्यक्रम को देखने के लिए गणमान्य व्यक्ति अतिथियों को ई आमंत्रण देना और आम जनता के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री करना है, इसका जो मेन मोटिव बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि जो टिकट का प्राइस है वो कितना रहेगा। अगर आप आरक्षित सीट चाहते हैं, मंच के नज़दीक की सीटें चाहते हैं, तो 500 रुपये तक का आपको यहाँ पे टिकट मिल सकता है। और अगर अनारक्षित सीटें यानी कि जो पहले से ही कंफर्म नहीं होती हैं, यानी कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम, तो 20 रुपये से 100 रुपये तक की आपको टिकट मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आप टिकट किस तरह खरीद सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल में आप आमंत्रण पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन टिकट चाहिए। अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए तो यहाँ पर काउंटर या बूथ दे रखे हैं जिससे आप ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं जाकर, जैसे प्रगति मैदान, सेना भवन, शास्त्री भवन, संसद भवन, और सांसदों के लिए अलग अलग यहाँ पे काउंटर और बूथ बनाए गए हैं ताकि वहाँ पर आप जाकर, इसमें सांसदों के लिए विशेष काउंटर है, जंतर मंतर है, जहाँ से आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं तो समय का भी बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि आप जब मर्जी जाकर टिकट नहीं ले सकते हैं। टिकट खरीदने के लिए यहाँ पे निर्धारित समय और स्थान भी आपको बताया गया है। जैसे तो यहाँ पे टिकट खरीदने का समय बताया गया है 10 बजे से सुबह के और दोपहर के 12:30 बजे तक, यानी कि यहाँ पे करीब 2.5 घंटे का आपके पास स्लॉट 1 में टाइमिंग रहेगा। उसके बाद स्लॉट 2 स्टार्ट होगा जो 2 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक है। यहाँ पे आपको टिकट खरीदने के लिए
लोकेशन भी बताई गई है, सेना भवन गेट नंबर 2, शासी भवन गेट नंबर 3, प्रगति मैदान गेट नंबर 1, जंतर मंतर मेन गेट के पास एंड पार्लियामेंट हाउस में केवल सांसदों के लिए ही टिकट मिलेगी। अभी यहाँ पे डेट जो है वो अभी अपडेट हो जाएगी थोड़े टाइम में, उसके बाद आप जाकर ले सकते हैं। इसकी विशेषताएं की बात करें तो ईमेल और एसएमएस में आपके पास टिकट को भेज दिया जाएगा, टिकट को कैंसिल करने और ट्रांसफ़र करने की मनाही है, इस बात का बेहद ख्याल रखिए। तो सोच समझ के ही आप जितनी भी टिकट आपको बुक करनी है वो कीजिए। भविष्य की घटनाओं के बेहतर प्रबंधन को लेकर समारोह के बाद डेटा एनालिसिस होगा कि मतलब कितने लोग आए हैं, कितने लोग पहुँचे, उनका एक डाटा एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक मोबाइल से टिकट बुक कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 टिकट ही बुक कर सकते हैं, यानी एक नंबर से आप 10 टिकट बुक करवा सकते हैं। आपको अगर 10 से ऊपर बुक करानी है तो आपको कोई दूसरा मोबाइल ही यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, आमंत्रण पोर्टल पर कौन लोग लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आवेदक को देश का स्थायी निवासी होना चाहिए, सभी वर्ग और धर्म के लोग इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र हैं, यानी कि सभी लोग आराम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप टिकट ऑनलाइन बुक करेंगे कैसे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना और पूरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको उस वेबसाइट पर जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, amantran.mod.gov.in पर। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा जिसमें आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी जाएगी, उसको सॉल्व करना होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP, आपके पास OTP आएगा, या फिर अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डू नॉट हैव एन अकाउंट है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा बैंक टिकट के ऑप्शन पर। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा, इसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। तो आप डिटेल्स अपने आधार कार्ड को देखकर ही डालना, क्योंकि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा। अगर वो मैच नहीं हुआ तो हो सकता है आपको वहाँ पे एंट्री ना मिल पाए, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से भरिएगा, जिसमें आपका नेम, आपका फादर हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। इस पेज में आपको पूछी गई जानकारी सही से भरनी है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करना है जो कि आपको मजेंटा कलर के अंदर दिख रहा होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको फिल करना पड़ेगा। आगे OTP भरने के बाद आपके पास फिर सेम यही वाला इनविटेशन मैनेजमेंट सिस्टम वाला एक ये पेज खुल जाएगा, उसके बाद रिक्वेस्ट OTP कर देना। इसमें आपको कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा और रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद OTP नंबर दर्ज करने के बाद आपके पास लॉगिन करना होगा, एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है। फिर अगर आप एक से ज़्यादा टिकट बुक करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया होगा जिसमें आप क्लिक करें और वहाँ पे भी उनकी पर्सनल डिटेल भर दीजिए। अंत में आपको प्रोसेस टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस तरह आसानी से आप आमंत्रण पोर्टल पर ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात का आप ध्यान रखिए कि आप जो भी ID प्रूफ यहाँ पे अपलोड करेंगे विद फोटो वाला, तो वही आपको कैरी करके ले जाना है ताकि आप वहाँ पे एंट्री गेट पर उनको दिखा पाए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनको भी 15 अगस्त के बारे में, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हर हर महादेव, वंदे मातरम।